दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में खेलते हुए मैदान पर तूफान आया यशस्वी जायसवाल का। पहले तो यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश कर डाली और मैच इतनी गेंदों का सामना करने के बाद 145 रन की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं यशस्वी जायसवाल की भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है भाई, 5 T20 मैचों की सीरीज में से भारतीय टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और में एक मुकाबले को जिम्बाब्वे की टीम जीत पाई है। मगर दोस्तों आज चौथा T20 मुकाबला खेला गया जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन स्कोर पर लगाए 4 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा सिकंदर राजा ने 75 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों शुभमन गिल 15 रन के स्कोर तक आउट हो गए और वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी 25 रन के स्कोर तक आउट हो चुके थे। उसके बाद दोस्तों ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी, मगर दोस्तों जैसे ही बल्लेबाजी करना है यशस्वी जायसवाल और यशस्वी जायसवाल ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के परखच्चे से उड़ा कर रख दिए और मैच 35 गेंदों का सामना करने के बाद 145 रन की तूफानी पारी खेल डाली जिसमें 20 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके भी शामिल थे। इस तरीके से 100% आ रहा हुआ मुकाबला अकेले दम पर जिताकर इतिहास रच दिया। दोस्तों एक प्रैक्टिस मुकाबला था जबकि असली मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार शाम को 4:30 बजे से खेला जाएगा।